ये कांग्रेस कांग्रेस ने अयोध्या टीचर। जाने की मतलब प्रस्ताव है वो कांग्रेस ने अयोध्या जाने का प्रस्ताव ठुकराया था, निमंत्रण दिया गया था उसमें भी राज्य की नहीं गई है। वो तो पिता का निकट नहीं आ गए, राम महाराज जी ने जब नाम सुना है अच्छी बात है, कैसे आएंगे जिन्होंने राम को विरोध कर दिया, और राक्षस है, राक्षस कैसे जाएंगे भगवान के पास में, राक्षस जा नहीं सकते, हनुमान जी कैसे जाएंगे, भूत भेद पिशाच। पर ब्रह्म परमात्मा अखंड है, भगवान को खंडित किया कैसे जा सकता है, हमारा भाव खंडित ना हो, हमारा भाव अखंड रहे। 5 लाख मंदिर फोड़ दिए तो क्या भगवान फूट गए क्या, मुसलमानों ने 5 लाख मंदिर फोड़ दिए हिंदुओं के, तो भगवान फूट थोड़ी गए, शक्ति तो वहीं पे है। अपने भाव से हम ही मूर्तियों को स्थापित करते हैं, हम ही पूजते हैं, लेकिन पूजाए भगवान जाते हैं, मूर्ति के माध्यम से हमारे भाव के माध्यम से हम अखंड परमात्मा को ही पूजते हैं। तो अभी तो सब कुछ नया नया बन रहा है, तो काहे का खंड, सब अखंड है, अखंड परमात्मा का आराधन। 5 लाख एक पूर्णता ही है, हम किसी भी गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हो, हर एक कदम गंतव्य की तरफ बढ़ता हुआ एक पूर्णता ही है, और कदम कदम करते हुए हम गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, मंजिल तक के पहुंच जाएंगे। अब एक मंजिल निर्माण होना भी हमारे लिए स्वप्न ही था, आशा ही नहीं थी कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन अभी के राजाओं ने बना दिया, यूपी के राजा हो गए या भारत के राजा हो गए, बना दिया उन्होंने, हमारा स्वप्न साकार हो गया, पहली मंजिल भी बन गई है, तो हमारे लिए राम मंदिर बन गया है। पहले तो जगह ही हमारे पास में नहीं थी हिंदुओं के हाथ में, अब ये बहुत बड़ी बात होगी कि जगह भी हाथ में आ गई है और एक मंजिल तो बन भी गई है। तो मैं सभी साधुओं से आह्वान करता हूं कि अपने अपने अहंकार बाजू में रखे, राजा को साथ देवे, पूरे 2-2.5 हजार साल के बाद महाराजा विक्रमादित्य जी के बाद में पूरा चक्रवर्ती सम्राट मिले हैं अपने को, पूरे भारत वर्ष पर जिनका राज्य है और जिनके द्वारा पहला चरण राम मंदिर का प्राप्त होने जा रहा है। अब अयोध्या तो एक धरती और काशी मथुरा और 5 लाख मंदिर और बाकी है, इसलिए साथ देवे सारे हिंदू लोग और सभी साधु लोग अपने अपने अहंकार को चूल्हे में डाले और साथ देवे जो राजा हिंदुत्व का कार्य कर रहा है उसको। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।